गया जिले के रानीगंज में अवैध नर्सिंग होम पर प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप, दो को किया गया सील। इमामगंज नगर पंचायत अंतर्गत रानीगंज और इमामगंज में एसडीओ के निर्देश पर सिविल सर्जन द्वारा गठित टीम द्वारा रानीगंज में अवैध रूप से संचालित दो नर्सिंग होम एवं निजी क्लिनिक को सील बंद किया गया। सील बंद किए गए अवैध रूप से संचालित संस्थानों को प्रशासन ने हजारों रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। वहीं विभागीय स्तर से शनिवार को इमामगंज और रानीगंज बाजार किए गए उक्त कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित संस्थानों के संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय सीएससी के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सैयद अली अनवर, अंचलाधिकारी अजय कुमार सिंह, बीडीओ राजेश कुमार, एसडीपीओ मनोज राम, इमामगंज थाना अध्यक्ष उदय शंकर, एसआई धर्मेंद्र और चंद्रमोहन मिश्रा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं इस संबंध में इमामगंज एसडीपीओ मनोज राम और प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सैयद अली अनवर ने बताया कि एसडीओ और सिविल सर्जन के निर्देश पर रानीगंज में संचालित अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान रानीगंज में अवैध रूप से संचालित यशोदा नर्सिंग होम और केयर नर्सिंग होम को सील किया गया। हाँ, एक अवैध क्लिनिक में एक मरीज के मरने से मतलब इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी, उस क्रम में एक एफआईआर भी हुआ है। इसी वजह से जो है कई लोगों ने जो है डीएम साहब को कंप्लेन किया था, उसी के आलोक में जो है एसडीओ साहब को और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनको संयुक्त जो है जांच करने का आदेश हुआ था। इसी क्रम में आज एसडीओ साहब आए थे और हम लोग उनके साथ आए थे, और इसी क्रम में दो, एक केयर हॉस्पिटल और एक यशोदा नर्सिंग होम को खुला हुआ संचालित अवस्था में पाया गया। इन लोगों से दस्तावेज की मांग करने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया पाया गया कि यह अवैध क्लिनिक है, जिस कारण विधिवत नियमानुसार इन सभी को सील किया गया है और इनके विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या इससे लगता है कि इस तरह से सील करने से और भी मौत का कारखाना जो चल रहा है रानीगंज में वो बंद होगा? लेकिन निस्संदेह अगर ऐसा कोई अस्पताल चल रहा है तो जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो जरूर सूचित कर सकते हैं उचित प्लेटफॉर्म पे, या पुलिस को भी बता सकते हैं। अगर अवैध है तो नियमानुसार सभी पे बारी बारी से कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आदेश पर सर आज ये एसडीओ साहब आए थे, एसडीओ साहब आए थे, हॉस्पिटल आए थे, फिर कुछ लेटर उटर भी डिस्ट्रिक्ट से उनके पास आया था, तो उनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग आए रानीगंज में। बहुत नर्सिंग होम का नाम था, उन्होंने बताया था, तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ यशोदा नर्सिंग होम में एसडीओ साहब के साथ ये किया गया। फिर आगे गए वहाँ तो केयर नर्सिंग होम था वहाँ। इस तरह से सीलिंग करने से सर क्या रानीगंज में, अगर इसमें तो अगर और सब ये रहे कि ये है, अगर बंद हो सकता है, क्यों नहीं बंद हो सकता है, बिल्कुल बंद हो सकता है, इसलिए कि यहाँ तो रजिस्ट्रेशन वाले कुछ लोग हैं, बाकी जो लोग नहीं हैं वो अपना अगर नर्सिंग होम चलाना चाहते हैं तो अपना पहले रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बाद नर्सिंग होम चलाएं। कितना अब तक अवैध अभी चल रहा है रानीगंज में? है, वो है लगभग 10-12 तो ज़रूर है।